कोरोना संक्रमण की वापसी के बाद प्रशासन की सख्ती और लोगों में खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते जनवरी से फरवरी माह के खत्म होने तक दिग्रस तहसील में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। बार बार लोगों को इस संदर्भ में सूचनाएं दी जा रही है, फिर भी संक्रमण है कि थमने का नाम ले रहा है, जिसको लेकर स्थानीय तहसीलदार वजीरे ने चिंता जताई है। मालूम हो कि गुरुवार को कोविड केयर सेंटर की ओर से वसंतकर गांव के पीएससी में आयोजित कैंप में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शाम तक कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार के मुताबिक तहसील की कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 136 हो गई है, जिसमें से 111 मरीज दिग्रस शहर से है, वही 25 मरीज तहसील के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से है। बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते दिग्रस के ईसापुर कोविड केयर को दोबारा शुरू किया गया तो है, लेकिन ऐसे में यहां कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, जिसके लिए कोविड केंद्र प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक को कोविड केंद्र को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। गौरतलब है कि दिग्रस नगर पालिका तहसील और पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम की कोशिशें धीरे धीरे जमीनी स्तर पर सख्ती से अमल लाई जा रही है। यही वजह है कि गुरुवार को नगर परिषद कर्मचारी, ग्रामीण अस्पताल के कर्मचारी सहित पुलिस कर्मचारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर कोविड-19 के दिशा निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना ठोका गया। वैसे तहसील में बढ़ रही पॉजिटिव मरीजों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद जनता में कोविड-19 के नियमों के प्रति अनुशासन की कमी नहीं के बराबर है। अगर जनता सख्ती से इन नियमों का पालन करे तो कोरोना संक्रमण से बच पाना संभव है। दिग्रस तालुक्यामध्ये सद्यस्थितीत कोरोना एक्टिव पॉजिटिव पेशंटची संख्या ही 126 पर्यंत पोहोचलेली आहे। तसेच या महिन्यामध्ये 2 मृत्यूसुद्धा कोरोनामुळे झालेले आहेत आणि आपण बघतो गेल्या 8-10 दिवसापासून कोरोना पेशंटची संख्या जी आहे ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे। तरी माझी सर्व नागरिकांना विनंती राहील की आपण या कोरोनापासून आपला आणि इतरांचा बचाव करण्यासाठी शासनाने जे त्रिसूत्री आणि इतर नियम घालून दिलेले आहे त्याचं वेळोवेळी पालन करावं, ज्यामध्ये मुख्यतः आपण घराबाहेर पडल्यावर मास्कशिवाय घराबाहेर पडू नये, त्यानंतर गर्दीच्या ठिकाणी जायचं टाळावं, गेले तरी सोशल डिस्टन्स त्यामध्ये ठेवावं, तसेच वारंवार सॅनिटायझरने हात साफ करावे किंवा साबणाने हात धुवावे, आणि आपल्याला जर काही सिम्पटम्स असतील तर लगेच आपली चाचणी करून घ्यावी, किंवा आपल्या आजूबाजूला कोणी पॉझिटिव्ह पेशंट आले असतील तरीसुद्धा आपण स्वतःहून आपली जी आहे ती चाचणी करून घ्यावी, आणि शासनाने जे नियम घालून दिलेले आहेत त्या सगळ्यांचं आपण पालन करावं, अन्यथा येणारी परिस्थिती गंभीर होऊन त्यापासून आपल्याला धोका निर्माण होऊ शकतो। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।